गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं धर्मेश खंतवाल, लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट श्रीनगर। और जैसे हमारा कोविड सीरीज चल रहा था, इसमें हमने लास्ट लेक्चर जो देखा था वो देखा था हमने ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डिजीजेस, और आज इसी उसमें हम सब बात करेंगे प्लेग और चिकन पॉक्स की। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्लेग। अब आप बोलेंगे कि कोविड 19 चल रहा है, उसमें प्लेग का क्या लेना देना है भाई? तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि प्लेग इस दुनिया में एक सबसे बड़ी महामारी के रूप में उभरा था, जिसने एक लंबे समय तक क्या कहेंगे कि मनुष्य का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, मनुष्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। आज हम हल्की जानकारी प्लेग पे लेते हैं। बात है आपकी लगभग 15th सेंचुरी या 13th सेंचुरी की बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप बन रहे थे इधर उधर, और उस समय यूरोप हो, चाहे आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हो या आपके इंडिया हो, सभी जगह से ये प्लेग की घटनाएं शुरू में आनी शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं कि प्लेग है क्या, किस तरीके से फैलता है, क्या क्या चीजें इसमें हैं, इस चीज पे हम बात करेंगे। तो प्लेग जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ठीक है। और ब्लैक डेथ इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अकाल मृत्यु इससे बहुत ज्यादा हुई, लगभग करोड़ों की संख्या में लोग मरे, 20% इंग्लैंड की आबादी भी खत्म हुई थी जब लंदन प्लेग वहां पर फैला हुआ था। तो इसका जो मेन कॉज है, इसका जो वायरस है, उसका नाम है यर्सिनिया पिस्टिस, ठीक है। ये यर्सिनिया पिस्टिस के कारण ये फैलता है आपका, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, पूछा भी जाता है आपका कि इसके वायरस का नाम क्या है, तो यर्सिनिया पिस्टिस इसका वायरस है। और इसका पुराना नाम क्या है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था पश्चुरियल पिस्टिस के नाम से। तो पश्चुरियल पिस्टिस उसका पुराना नाम है, नया नाम है यर्सिनिया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको नोट डाउन रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन को आपको समझना होगा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेट चूहे के कारण होता है। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बार बचपन में आपने कहानी सुनी थी, हैमिल्टन शहर की कहानी, जिसमें एक बीन बजाने वाला आता है, वो चूहों को ले जा लेता है, उसके बाद गांव से बच्चों को ले जा लेता है। तो उसमें जो जिक्र था वो किस चीज का था भाई, चूहों का जिक्र था। तो चूहों में इन्फेक्शन फैलता कैसे, कि पिस्सू जो होता है वो चूहे में क्या करता है, इंजेक्ट करता है, और उसके बाद जो चूहा मरता है तो उसके आसपास जो ह्यूमन बीइंग होता है वो उसमें इंजेक्ट करना शुरू कर लेता है। तो इससे चूहों से, चूहे के मरने के बाद ही ह्यूमन बीइंग में आता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसका चूहों से होता है। तो चूहों में क्या, पिस्सू से ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। उसके बाद 2 से 6 दिनों में ये आपको सिम्टम्स पता चलने लग जाते हैं कि प्लेग इसको हो चुका है, इस मनुष्य को प्लेग हो चुका है। तो प्लेग की स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस में प्लेग को देखा गया है, मेनली 3 स्टेजेस में प्लेग किस तरीके से फैलता है। तो सबसे पहली जो स्टेज है जिसमें इफेक्ट क्या करता है, हम उनको देखेंगे। और ये देखो, ये याद रखिएगा कि तीनों स्टेज प्लेग के सेपरेट स्टेजेस है। सेपरेट स्टेजेस मतलब ये भी प्लेग कहलाएगा, ये वाली स्टेज भी प्लेग कहलाएगी और ये वाली स्टेज भी प्लेग कहलाएगी। अब हम इनको तीनों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, और ये बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि कौन से प्लेग कहाँ कहाँ पर आपका सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो बॉम्बेनिक पहला स्टेज है, पहली स्टेज का नाम है बॉम्बेनिक प्लेग। अब बॉम्बेनिक प्लेग होता कहाँ पे है, ये एक तो होता है आपके आर्मपिट पे। आर्मपिट क्या होती है कि जो आपके आर्म्स होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर के बीच में आर्मपिट होता है। और दूसरा होता है आपके जेनिटल ऑर्गन में, जेनिटल ऑर्गन जो आपके रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं उन पे ये होता है। वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, क्या होता है, सॉइलिंग होने शुरू हो जाती है, और सॉइलिंग होने के साथ साथ धीरे धीरे वहां पर आपका फोड़ा बन के और उसको डैमेज करना शुरू कर लेता है। तो बॉम्बेनिक प्लेग ये आपका पहली स्टेज होती है। बॉम्बेनिक के बाद अगर वो धीरे धीरे आपका क्या करता है कि बॉडी में फैलना शुरू करता है, तो वो दूसरी स्टेज में आता है निमोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग आपको पता है कि निमोनिया कहां पर होगा भाई, निमोनिया आपके लंग्स प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपका कौन सा प्लेग हो जाता है, निमोनिक प्लेग हो जाता है, ठीक है। तो निमोनिक प्लेग में आपको देखना होगा कि यहां पर क्या होता है, निमोनिक प्लेग होता है। अब ये याद रखिएगा, बॉम्बेनिक प्लेग और निमोनिक प्लेग, इन दोनों में याद रखिएगा, इंडिया में मैक्सिमम नंबर जो हुआ है वो निमोनिक प्लेग हुआ है। चाहे आप बॉम्बे प्लेग की बात कर लो, चाहे सूरत प्लेग की बात कर लो, यहां दोनों जगह पर आपका क्या हुआ था, निमोनिक प्लेग। जो बॉम्बेनिक प्लेग है ये बॉम्बे में हुआ था, जिसको हम बॉम्बे प्लेग बोलते हैं। 1917 में बॉम्बे प्लेग होता है आपका भी, और लगभग 1897 में आपका पूना प्लेग हुआ था, और दूसरा आपका 1994 में आपका पूना प्लेग भी हुआ था। तो ये याद रख, सॉरी सूरत प्लेग, यहाँ पर सूरत प्लेग हुआ था 1994 में। ये दोनों निमोनिक प्लेग थे,
और यहाँ पर आपका बॉम्बेनिक प्लेग था जो 1917 में हुआ था। उसके बाद आपका होता है जो तीसरा आपका जो प्लेग होता है, तीसरा प्लेग होता है आपका इन्फेक्टेड वाली स्टेज में आता है, जहां पर आपका प्लेग क्या होता है कि ब्लड में आ जाता है, कंप्लीट ब्लड आपका इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेप्टिक, सेप्टिका या सेप्टिक प्लेग। तो सेप्टिक प्लेग में क्या होता है भाई, आपका सबसे बड़ा खतरनाक पोजिशन में आता है जिसको गैंगरीन पोजिशन कहते हैं। गैंगरीन क्या होता है, जो आपके बॉडी का जो बॉडी पार्ट होता है उसमें आपका क्या होता है, स्वेलिंग आने शुरू हो जाती है, और गैंगरीन स्टेज में उस पार्ट्स को आपकी बॉडी से क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, तो गैंगरीन स्टेज होती है भाई। तो गैंगरीन स्टेज में आपकी बॉडी में स्वेलिंग्स आने लग जाती है जगह जगह पार्ट्स में, तो ये क्या होता है, ये ब्लड में हो जाता है, ये स्टेज ब्लड में हो जाती है, यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी आपकी इन्फेक्टेड हो जाती है गैंगरीन वाली स्टेज में, यहाँ पर बॉडी को काटना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्लेग से रिलेटेड हमारा एक हल्का सा था। अब यहाँ पर क्या है कि एंटी प्लेग वैक्सीन आ चुके हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी प्लेग की वैक्सीन प्रॉपर रूप में काम नहीं कर रही है, खासकर जो आपका सेप्टिक प्लेग है, सेप्टिक प्लेग में तो कोई वैक्सीन प्रॉपर वे में काम नहीं करती, बस इसको कंट्रोल करना पड़ता है। निमोनिक प्लेग और बॉम्बेनिक प्लेग में कुछ वैक्सीन हैं जो उसमें प्रॉपर वे में काम करती हैं, बट कंप्लीट इलाज का भी कोई गारंटी नहीं देता है। हाँ, बट कंट्रोल जो है वो हुआ है, क्योंकि सफाई और इनके हाइजीन पे हमने ध्यान दिया, तो ये कंट्रोल में हुई है, ठीक है। तो आपने दो इंसिडेंट इसमें याद रखना, एक तो वायरस का नाम याद रखना, तीन प्लेग आपको मेनली याद रखने हैं। एक सबसे पहले जो हुआ था आपका पूना प्लेग, ठीक है, उसके बाद बॉम्बे जिसको हम बॉम्बे बोलते हैं, बॉम्बे प्लेग, और तीसरा आपका हुआ था सूरत प्लेग, ठीक है। सूरत प्लेग 1994 का है, बॉम्बे प्लेग 1917 का है, और पूना प्लेग आपका 1897 के अप्रोक्स का है। बॉम्बे प्लेग में आपको बता दें फ्रीडम मूवमेंट में एक घटना भी होती है अहमदाबाद मिल मजदूर वाली, तो बॉम्बे प्लेग का ही टाइम था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी उस टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उस टाइम पे चल रहा था। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अगली चीज क्या याद रखनी है भाई, सूरत प्लेग आपका और पूना प्लेग, ये दोनों प्लेग जो थे आपके निमोनिक प्लेग थे, ये दोनों निमोनिक प्लेग थे, और बॉम्बे प्लेग आपका क्या था, बॉम्बेनिक प्लेग था, ठीक है। तो याद रखिएगा इन चीजों का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका किस पे, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स पे। जैसे अभी तक हमने बात की थी प्लेग पे, तो प्लेग के बाद हमने दो डिजीजेज, दोनों डिजीजेज में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता है आप लोगों को, मतलब हम बोलते हैं कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स इसमें वेरिएशन वायरस का है, उसमें कुछ सिम्टम्स का वेरिएशन है, बाकी इसमें कुछ खास सिम्टम्स नहीं है। एक चीज और याद रखेगा कि स्टूडेंट ये 1977 में इंडिया से कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। तो WHO ने इसको प्रमाणित कर लिया कि इंडिया में अब ये नहीं है इतनी ज्यादा, बट हमको ये देखना है कि इन दोनों में मेनली क्या चीज थी, किस चीज से डिफरेंस थे, और क्या क्या इंडिया ने इसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाए थे। बहुत शॉर्ट टर्म में हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स की, जिसको हम छोटी माता भी कहते हैं, माता आ जाना, आपको पता है ना दाने हो जाते हैं। तो इसका जो वायरस का नाम है उसका नाम है वेरियोला, इसका वायरस का नाम आप याद रख दीजिए, इसका वायरस का नाम है वेरियोला वायरस है। और जो इसमें सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आपको क्या है, फीवर होता है, चिलनेस, ठंड लगती है, हेडेक होता है, और बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये इसके नॉर्मल सिम्टम्स है। की सिम्टम मेनली बात होती है, की सिम्टम्स क्या होते हैं, रेसेस, और ये रेसेस किस तरीके से डेवलप होते हैं, कि रेसेस क्या होना शुरू होते हैं, रेसेस आपके बारीक किसमें पिंपल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पिंपल्स के अंदर उसमें क्या होता है, पस होता है, उसके बाद फोड़े में, और उसके बाद स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जो पपड़ी जम जाती है ना उसको स्क्रैप कहते हैं। स्क्रैप में के बाद क्या होता है कि स्क्रैप अपने आप झड़ जाता है और वहां पर बॉडी में एक डीप पिट बना देता है। डीप पिट आपको पता है कि डीप पिट क्या बनते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का में वो छेद जैसे दिखने लगते हैं, मतलब ये डीप पिट से ही आपको पता चल जाएगा कि किसी को क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स हुआ था। अब बात करते हैं यहीं पे हम दूसरा जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स में जो वायरस है वो आपको देखना होगा, उसका नाम है वेरिसिला जॉस्टर, वेरिसिला जॉस्टर और वेरियोला, इन दोनों को याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स में वेरियोला है और यहाँ पे वेरिसिला जॉस्टर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर फिर सिम्टम्स वही है, बस ये याद रखना है कि जहां पर जब स्क्रैप होता है, स्क्रैप के बाद डीप पिट नहीं बनेंगे, यहाँ पे डीप पिट नहीं बनते हैं, मतलब बॉडी में किसी भी तरीके का आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा कि इसको पहले क्या चिकन पॉक्स हो रखा था, ठीक है। हमको अमूमन होता है स्मॉल पॉक्स है, बट हम उसी को क्या कर देते हैं, चिकन पॉक्स की श्रेणी में डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट चीज, क्योंकि हमने इस पर क्या कर दिया भाई, कंट्रोल पा लिया है कंप्लीटली, हमने लगभग क्या इंडिया को 1977 में इसको फ्री कर लिया है, बट इसके पीछे की स्टोरी है क्या हुआ था कि 1950 में पूरी दुनिया में ये बहुत तेजी से फैल रहा था, तो उस समय 60% जो टोटल फैला हुआ था उसका 60% हिस्सा कहाँ था, इंडिया में लोग थे। इसके अलावा इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की तरह है, जहां जहां मौसम था, जिस तरीके का मौसम था उस जगह, जैसे ब्राजील हो गया,
और भी देशों में ये वेस्ट अफ्रीका और कौन से इलाके में, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ये फैला था। ठीक है भाई, अब ये देखिए वेस्ट अफ्रीका हो गया आपका, चाहे ब्राजील हो गया, चाहे आपका कौन हो गया इंडिया हो गया, इन सबका ना क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन से एक है, तो इसके कारण ही यहाँ ज्यादा फैला हुआ था। तो इस पर लगातार काम करते गए 1962 में। 1962 एक बहुत बड़ा ईयर था। हम देखते हैं कि इस समय हमने क्या इंडो सिनो वॉर भी देखा था उस समय। NSEP नेशनल स्मॉल पॉक्स इरिटेशन प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया था ताकि इसको क्या रोकथाम किया जाए, राष्ट्रीय छोटी स्मॉल पॉक्स प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया था। इसको सफल नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस समय चल रही थी, तो सफल नहीं हो पाया। फिर 1972 से 75 तक हमको स्पॉन्सर किया WHO ने, USSR ने। इन दोनों के कारण हमारा क्या हुआ कि हमने फ्रोजन दवाइयां ली, फ्रोजन वैक्सीन हमारे पास आए और 1977 तक हमने इसको कंप्लीटली क्या कर दिया, अपने देश से हटा लिया। WHO ने हमको प्रमाणित कर दिया कि हमारे देश में कंप्लीट खत्म हो चुका है। तो ये था स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इससे पहले हमने बात की थी प्लेग पे। तो ये हमारी सीरीज के तीन यहाँ पर हमने डिजीज के बारे में डिस्कस किया। आगे होप हम और चीजों पे भी डिस्कस करेंगे। स्टे इन होम और स्टे सेफ। सबसे बड़ी चीज है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।